अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हाई स्पीड मशीन ओवरलॉक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, इस बात को लेकर के कि इन मोटर के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाए, मोटर में या इसके पैनल में या इसका रेगुलेटर जो होता है उसके में कोई फॉल्ट आ जाए तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है। क्योंकि ये जो मशीनें होती हैं इसमें आप देखते हैं, जैसे ये मोटर यहाँ पे इनबिल्ट होती है और किसी में इंटीग्रेटेड मोटर होती है, तो ए टू जेड पैनल से लेकर के हर चीज़ इसी में दिया होता है। जैसे कि आपकी ये फ्लैट लॉक में आप देख रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा पैनल भी इसी मोटर के साथ कनेक्टेड है। तो हम लोग अभी इस ओवर लॉक के ऊपर बना रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी हम लोगों ने मशीन 2 साल पहले कस्टमर को दिया हुआ था, तो उसके यहाँ हाई वोल्टेज में ये इसके इस पैनल में फॉल्ट आ गया है, ये जल गया। तो अब उसके सामने ये प्रॉब्लम है कि काम बहुत जल्दी उसका इमरजेंसी मटका हुआ है, वो सोच रहा है कोई हमको दूसरा ऑप्शन मिल जाए जिस वजह से हमारा काम चलता रहे, रुके ना। हम लोग के पास ऑप्शन सिर्फ ये होता है कि इसको खोल करके हम लोग को बाहर भेजना पड़ता है दिल्ली, जहाँ से ये बंद करके आता है। तो अब उसमें हफ्ता, 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी वक्त है वेस्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ये जो पार्ट आते हैं इसके, अभी ये बंद नहीं पाते हैं लोकल, इसको भेजना पड़ता है कंपनी के पास ही। तो हम लोग इसी पे वीडियो बना रहे हैं कि आप क्या इसमें कर सकते हैं, क्या आपके पास ऑप्शन होता है इसके अंदर। इसमें आपको पहला काम तो ये करना होगा कि ये वहाँ से मोटर आपको निकालनी पड़ेगी। ये आप मोटर जब निकालेंगे तो निकालने के बाद जो है इसमें आप एक तो ये कर सकते हैं कि क्लच मोटर मशीन के अंदर क्लच मोटर लगा लें आप, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये होती है कि आजकल जो मशीनें आ रही हैं इसमें पटरे में यहाँ कटिंग भी नहीं होता है। साइड में आप देख रहे हैं क्लच मोटर के लिए यहाँ पटरे में कटिंग होना चाहिए, तभी आप नीचे से क्लच मोटर लगा करके इस मशीन को पुराने वक्त में जैसे मशीन आती थी वैसे चला सकते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन क्लच मोटर वाला भी नहीं बचता है, क्योंकि आप पटरे में इतनी कटिंग कर नहीं सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप ये पूरा सामान खोल लीजिए और उसके बाद 1/12 की मोटर लगा लीजिए। तो हम आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं कि पहले ये मोटर खुलेगी कैसे। मनोज जी, आप मशीन मोटर खोलें पहले। इसको आप, हम लोग जो खोलेंगे ये पूरा सामान खोल के निकाल लेंगे और इसके लिए जो धुरा होगा, धुरे के अंदर दूसरी पुली हम लोग सेट कर देंगे उसमें। तो आपकी ये मशीन पुराने मॉडल वाली मशीन हो जाएगी, उसके अंदर आप 1/12 की छोटी मोटर लगा करके फ़िलहाल अपना काम 4-5 दिन, 10 दिन तक के लिए कर सकते हैं। इसको खोलने का जो तरीका है वो एलकी से होता है। मनोज, जैसा एलकी हम लोग को दिखा दें। हाँ देखिए, ये सब एलकी होती है। ये आपको, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो बैकलोजर मशीन की एलकी कह के जहाँ भी आपकी मार्केट हो, लोहे का सामान जहाँ पूरे बिकते हो, तो वहाँ पे आप बैकलोजर का पार्ट कह के मांगेंगे, बैकलोजर की एलकी, तो मिल जाएगा ये आपको। उसके एलकी से ये पूरे पेंच खुल जाते हैं। पहला चीज़ जो है आपको चक्के को खोलना है। मनोज जी, इसमें चक्के में एक पेंच खोलें। जी हाँ, ठीक है। ये दोनों पेंच आप खोल लेते हैं, ये दोनों पेंच इसी में कसे होते हैं इसी के ऊपर, तो ये आपका जो है पुली निकल जाएगा पहले। फिर इसके अंदर आपको जो है तीन पेंच, जी हाँ तीन, ठीक है मैडम जी। इसमें मोटा एलकी रहेगा, वो मोटे एलकी से आपका ये खुलेगा। अब जितनी भी मशीनें आ रही हैं सभी के अंदर यही सर्वो मोटर होती है और इनबिल्ट मोटर होती है। अब पुराना वाला ऑप्शन आपके पास है ही नहीं कि क्लच मोटर लगा के आप मशीन ख़रीद लें। जितनी भी मशीन है सब में पावर सेवर मोटर है, चलती बहुत अच्छी है, बिजली भी बहुत बचाती है, पर जब बिगड़ती है तो वक्ती 5-7 दिन की प्रॉब्लम आ जाती है। या तो आप उसका पूरा नया सामान खरीदें, तो नया ख़रीदेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगी, फिर उसकी बहुत लाइफ है, चलता रहता है। आसान है खोलना, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये आपका दो, ये इधर से खुल गया है, एक आपका ये नीचे वाला है, ये खोल लीजिए। ये आपका देखिए, ये असल मैग्नेटिक होता है तो अंदर से खींचता रहेगा आपको, तो आप ये ना सोचेंगे कहीं से कसा है, खींचेंगे ताकत लगा के तो बाहर आएगा, बहुत तगड़ा कसा रहता है, तो अंदर खींचता है।
ये इसके अंदर पूरा मैग्नेट होता है, ये पूरा इसके अंदर मैग्नेटिक होता है जो इसी में एकदम पकड़ा रहता है। ये आप निकालेंगे ये अलग से पूरा हट जाएगा, पूरा ये सिस्टम अंदर पूरा उसका आप देख रहे हैं कॉपर बाइंडिंग वगैरह अंदर सब है। अब ये इसके सब कॉलर हैं, ये पूरा आपको कॉलर भी खोलने पड़ेंगे इसके। अच्छा एक मिनट मनोज जी, हाँ इसके अंदर भी आपका जो है मोटा सा आपका देखिए पेंच इसमें लगा हुआ है, इसको भी हल्की से ही खुलेगा। पीछे है पेच आपका, अच्छा एक इधर भी है जी, हाँ ये रहा दो पेच होता है, एक इधर एक इधर। ठीक ठीक, आपका एक सामने से हो गया और उधर पीछे भी आप देख रहे हैं दो पेच है, वो भी एलकी से ही खुलेगा। हर जगह एलकी ही है, इसमें कोई चीज़ आप पेचकस लगा के नहीं खोल सकते क्योंकि इसमें कोई पेच नहीं है, सब साइड मुंडा होता है, साइड मुंडा पेच होता है इसके अंदर। एक टेबल जो है ना 1/12 की मोटर यहाँ रख देना ला करके, ये रख दो, हाँ ये रख दो, हाँ ले आपका निकल जाएगा जी। हाँ देखिए ये आपने कॉलर इसका है, ये आपको निकाल देना है क्योंकि जब आपको सर्वो मोटर के साथ चलाना है तो ये लगाना पड़ेगा, और अगर आपको अब इसको मोटर के साथ चलाना है देसी मोटर लगा करके तो ये आप निकालेंगे, सिर्फ आपका धुरा अंदर रहेगा, ये जो इसको मेन धुरा है ये इसी धुरे के अंदर पुली कसाएगी। देखिए ये अलग से पुली दिखाए मनोज जी, जी हाँ ये आपको अलग से पुली खरीदना पड़ेगा, मार्केट में मिल जाएगी 200-300 रुपए में, ये आपकी पुली है। अब इसके अंदर आपका बेल्ट लग जाएगा तो आप टेम्प्ररी तौर पर जब तक आपकी मशीन का मोटर बंद ना जाए, पैनल की प्रॉब्लम हल ना हो जाए, तो आपका काम ना रुके इसलिए आप इसको लगा सकते हैं ताकि आपका काम चलता रहे। लगा के चला दें मनोज जी, चला के दिखा दें, थोड़ा सा फोकस दीजिए। अब ये मेन धुरे में, हाँ जी हाँ धुरे के अंदर देखिए ये कटिंग है, इसी कटिंग के अंदर ये पेंच कसाएगा, उसी कटिंग जो गड्ढे हैं घाट उसी के अंदर ये ऊपर से आप पेंच कसेंगे, वो जाके उसी में फंस जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको बाहर रखना होगा ताकि इसके बगल में जगह रहे, यहाँ से बेल्ट चल सके। अब इसके अंदर आप जैसा मैं बोला क्लच मोटर भी लग सकता है, अगर पटरे के अंदर कटिंग, यहाँ पे पटरे के साइड में अगर कटिंग होगी तब तो आपकी बेल्ट अंदर चली जाएगी और नीचे क्लच मोटर लगा के आप चला सकते हैं। लेकिन टेम्प्ररी काम के लिए क्लच मोटर खरीदना मतलब 4-5 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट, वो बेकार है। आपके कारखाने में जहाँ हाई स्पीड मशीनें चल रही होंगी तो वहाँ अम्ब्रेला मशीन भी चलती ही हैं जहाँ भी, तो आपको ये जो देसी मोटर होती है अम्ब्रेला मशीन में लगने वाली, यही मोटर आपको इसमें कस लेनी है। कसने का तरीका आपको हम बता देते हैं, जैसे ये मशीन आपके सामने हो गई, ये मशीन आप ध्यान दीजिए कि ये उल्टी चलती है, ये मशीन जो चलती है ये उल्टी चलती है। एक बार मान लीजिए ये मशीन जो आपकी चलती है ये पीछे भागती है, ये सामने नहीं चलती है, इसीलिए जब आप मोटर कसेंगे तो देखिए जैसे लगाए हमारे मनोज जी, ये नाम पीछे रहे जी, हाँ नाम जो लेबल है वो पीछे, क्योंकि पुली इधर रहना चाहिए, हाँ पुली आपकी इस साइड आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह कसेंगे जैसे सिलाई मशीन में लगाते हैं तो होगा क्या कि सिलाई मशीन चलती है सीधी आगे सामने ये, हाँ ये तो लगेगी ये मशीन सीधी चलने, तो आप परेशान हो जाएंगे कि अरे ये मशीन सीधी क्यों भाग रही है। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि ये मोटर का जो पुली इस साइड होता है सिलाई मशीन के लिए, आपको ओवरलॉक में उल्टी चलाना है तो मोटर भी बस उल्टी लगा दीजिए, ये ऐसे कर, तो ये जैसे ही आप इसको ऐसे सेट करेंगे यहाँ से बेल्ट को मिला लीजिए। बेल्ट जरा मनोज जी लगा के दिखा, आपको हम बेल्ट भी लगा के दिखा देंगे। एक बड़ी बेल्ट ले आइए, इसमें वही 550-600 नंबर की बेल्ट लगेगी, तो बेल्ट आप खाली लगा लीजिए, मैं बेल्ट लगा के दिखा देता हूँ। और इसके साथ आपका ये रेगुलेटर रहता ही है, ये रेगुलेटर होता है ये आपका, बस जितना आप इसको दबाएंगे इतनी तेज मशीन भागेगी, 2 स्पीड 3 स्पीड इसमें मिल जाएगी आपको। तो टेम्प्ररी तौर पे आपका 10 दिन जो भी लगना है टाइम, काम आपका रुकेगा नहीं, काम आपका पूरा चलता रहेगा।
जी हाँ, बेल्ट लगा के दिखा देते हैं आपको हम। देखिए ये आपकी बेल्ट लग गई, बस आपको एक काम सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे एक दो तीन चार चार छेदे करके पेंच कस दें, या नट बोल्ट से टाइट कर लगा के छेद ड्रिल करके नट बोल्ट कस लें, या ऊपर से पेंच कस लें, जैसा आपको सुविधा लगे। बस बेल्ट आपकी सीधी होनी चाहिए, बेल्ट अगर तिक्खी मिक्खी होगी तो बेल्ट उतर जाएगी पुली पर से। ये हो गया, एक मिनट भैया, बस जमा कर ले रहे भैया। और मनोज जी जैसे रेगुलेटर दिखा दीजिए, रेगुलेटर कस करके उसमें बैठ जी भी आ रहे। जैसे आप लोग मोटर कनेक्ट कर, मोटर के अंदर बेल्ट कनेक्ट होता है, अरे सॉरी, मोटर के अंदर जो है रेगुलेटर कनेक्ट होता है, बस वैसे कनेक्ट कर लीजिए। ये आपका कनेक्ट हो गया, ये आपका रेगुलेटर हो गया, इसको आप जी सप्लाई में चल जाए, इसको आप अपना ज़मीन में ऐसे करके रख लीजिए यहाँ पे काम करते हुए, और आप अपना इसको बस ऐसे दबाइए, जितना तेज़ दबाएंगे इतनी तेज़ मशीन भागेगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो था आपके गाइडेंस के लिए, आपके हेल्प के लिए, कि कभी इस तरह की परेशानी आपके सामने आए तो आपका काम ना रुके, काम चलता रहे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, और शुक्रिया।